नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहां पर एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन आया हुआ था और यहां पर उसको संशोधित कर दिया गया, ध्यान रखे संशोधन उसमें कर दिया गया है और संशोधित नोटिस यहां पर जारी कर दिया है। ध्यान रखे राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह नोटिस अवेलेबल है, वहीं से नोटिस लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। क्या लिखा गया है नोटिस में, किन किन चीजों में बदलाव हुआ है, कौन कौन सी क्लास के एग्जाम फोरम के नोटिफिकेशन यहां पर अवेलेबल है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपके लिए होने वाला है। ध्यान रखे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम को लेकर पहले मैं आपको बता दूं, जब से आज की बात करता हूं, जैसे 9 दिसंबर की बात हम कर रहे हैं, 9 दिसंबर से पहले तक का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ध्यान रखें यूजी फर्स्ट ईयर के नोटिफिकेशन आए हुए केवल, ध्यान रखें रेगुलर और नॉन कॉलेज के केवल वही नोटिफिकेशन आए हुए हैं। और संशोधित नोटिस क्या है, तो उन्हीं के नोटिस में क्या है, ध्यान रखें यहां पर कुछ डेट्स थी भैया एग्जाम फोरम को लेकर यूजी फर्स्ट ईयर। देखो सबसे पहले आपको बता दूं यूजी क्या है, बीए बीएससी बीकॉम है ना, जो फर्स्ट ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेज विद्यार्थी, इनका नोटिफिकेशन आया हुआ था एग्जाम फोरम का। ध्यान रखें रेगुलर की डेट्स यहां पर 4 दिसंबर से फोरम चालू थे, नॉन कॉलेज के फोरम 18 दिसंबर से फोरम चालू होंगे। ध्यान रखें अब जो डेट है रेगुलर की 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो डेट्स थी उसमें बदलाव कर दिया। ध्यान रखें यानी कि यहां पर एग्जाम डेट, यानी कि जो फोरम डेट है एग्जाम फोरम की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, जो अंतिम तिथि 10 दिसंबर होने वाली थी वह बढ़ा दी गई है। ध्यान रखें नॉन कॉलेज की बात करूं तो नॉन कॉलेज के फोरम 18 दिसंबर से चालू होंगे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे ध्यान रखें यह वीडियो जो होने वाला है केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, रेगुलर और नॉन कॉलेज के लिए नोटिफिकेशन भी उनका ही आया। ध्यान रखें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, पीजी प्रवेश और पीजी फाइनल के नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। ध्यान रखें और जिनका राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन था उनका ऑलरेडी नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया था। ध्यान रखें एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड तो बातें हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया, डेट्स में बदलाव हुआ है, कुछ संशोधन से रिलेटेड कुछ नए नोटिस देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं यूजी सेमेस्टर रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों को मैंने लिख दिया है। फीस की बात करते हैं एग्जाम फॉरम फीस बिना विलंब शुल्क 100 रुपए के साथ में, 500 रुपए के साथ में, डबल फीस के साथ में, क्या क्या डेट्स होने वाली है बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। देखो 4 दिसंबर से यहां पर फोरम चालू था रेगुलर वालों का, ये ध्यान रखें, और यहां पर फोरम अंतिम तिथि अब हो गई है 14 दिसंबर 2023 तक। ध्यान रखें ये बिना विलंब शुल्क के रहेगी, ध्यान रखें रेगुलर वाले विद्यार्थियों की 14 तारीख के बाद में आप एग्जाम फॉरम भरते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 100 रुपए, और 100 रुपए की लेट फीस क्या है भैया 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, ये ध्यान रखें। अगर इस बीच में आप फॉरम नहीं भरते हैं, ध्यान रखें रेगुलर विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के, ध्यान रखें तो आपकी डेट हो जाएगी 19 दिसंबर से, ध्यान रखें 21 दिसंबर 2023 तक, ध्यान रखें इस बीच आपके 500 रुपए लगेगी लेट फीस, ध्यान रखना। अगर इस बीच भी नहीं भर पाते किसी कारणवश, ध्यान रखें तो ध्यान रखें 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी डबल फीस लगने वाली है। इन सभी चीजों से बचना है, समय से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। ध्यान रखें यह डेट्स कौन सी होने वाली है, रेगुलर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के, लगभग लगभग सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा है किसी के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा था, किसी का कॉलेज नहीं आ रहा था, तो यहां पर डेट्स बढ़ाई गई है। मैंने पहले भी कहा था कि डेट्स बढ़ती है ध्यान रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार बढ़ती है ना, एक बार दो बार बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं, रेगुलर विद्यार्थियों की एग्जाम सेमेस्टर के ध्यान रखें 11 जनवरी से चालू होंगी 2024 में। ध्यान रखें प्रथम सेमेस्टर की जो एग्जाम होने वाली है मेन एग्जाम रेगुलर विद्यार्थियों की, जबकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के साल में एक बार होंगी, तो ये अप्रैल मई के आसपास जाएंगे ना, इसका इंतजार अभी मतलब कि, और फॉरम आए ध्यान रखें नॉन कॉलेज वालों के लिए, तो उनकी क्या डेट्स रहने वाली है 18 दिसंबर से आपके चालू होंगे, ध्यान रखें 5 जनवरी 2024 तक, ध्यान रखना ना, ठीक है। ये बात होगी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। बात करते हैं 100 रुपए लेट फीस में, नोटिस देख लीजिए स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें डेट्स दी हुई है 6 जनवरी से 10 जनवरी तक भरेंगे तो आपको 100 रुपए लेट फीस लगेगी, उसके बाद में भरेंगे तो 11 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको 500 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद में भरते हैं 16 जनवरी से 20 जनवरी तक तो बाद में डबल फीस देनी पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन है नॉन कॉलेज वालों का और रेगुलर विद्यार्थियों का फर्स्ट ईयर से। ध्यान रखें यहाँ पर रेगुलर और नॉन कॉलेज की ही बात की गई, इसके अलावा किसी की बात नहीं की गई नोटिफिकेशन में। दूसरा बता दूं यहाँ पर लाइन लिखी गई है भैया एग्जाम डेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा, 11 जनवरी से राजस्थान यूनिवर्सिटी सोची हुई है कि 11 जनवरी से आपके एग्जाम करवाने वाले हैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के, रेगुलर विद्यार्थियों समय से आपको एग्जाम देना, तैयारी से रिलेटेड कुछ वीडियो डाले हुए और थोड़े समय में देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखें किसी का फोरम गलत भरा गया तो करेक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। ध्यान रखें यहाँ पे नोटिस में दिया हुआ है कि भैया 260 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी करेक्शन अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपने फोरम में गलती कर दी है तो। ध्यान रखें ये सारी चीजें करेक्शन के तहत होंगी, ध्यान रखें ये बातें हो जाएंगी यहाँ पर।
और बाकी अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ, भैया फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो साइन और आपका एबीसी आईडी बनाना चाहिए। ध्यान रखिए एबीसी आईडी होगा वही फॉर्म भर पाएगा। ये सभी चीजें एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, जिसने एग्जाम फॉर्म भर दिया है वो हार्ड कॉपी अपने अपने कॉलेज में जमा करवाएंगे। ध्यान रखिए रेगुलर विद्यार्थी अपने कॉलेज में, नॉन कॉलेज विद्यार्थी जो भी कॉलेज चुनेंगे यहाँ पे ध्यान रखिए वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी, 10th 12th की मार्कशीट और साथ में आधार कार्ड, ये फोटो कॉपी लगेंगे। ध्यान रखिए ये सभी आपको वहाँ पे जमा करवानी है अगले 2 दिन के अंदर। आज फॉर्म भरते हैं तो परसों तक आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी। अगर बीच में कोई छुट्टी आ रही है तो उसके अगले 1 दिन तक आप उसको काउंट कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी सवाल बचे हुए हैं एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, कहीं कंफ्यूजन चल रहा है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, या फिर हमारे जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पर अपना कमेंट छोड़ देंगे, या फिर और क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है सेकंड ईयर थर्ड ईयर का। ध्यान रखिए उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, वीडियो लिंक दे देता हूँ, वहां से देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ पीजी प्रीवियस पीजी फाइनल और सेकंड ईयर थर्ड ईयर के फॉरम कब चालू होंगे रेगुलर नॉन कॉलेज के, उसको देख लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।